ये हमारा बोनलेस चिकन है, इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कोफ्ते। इसके लिए मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, 4-5 प्याज को, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, लाल मिर्च, पीली मिर्च, हल्दी, नमक। ये हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ये हमने अपनी ग्रेवी के लिए तैयार किया है, इसे ग्रेवी बनाने के लिए। ये हमारे खड़े मसाले हैं, इसमें देसी जो खड़े मसाले होते हैं, तेज़पात, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी वगैरह, ज़ीरा। भगवान, हमने ऑयल गर्म कर लिया है। ये हमने प्याज को अपनी फ्राई करके रखा था, इसको हम ऐड करेंगे अपने ऑयल में। कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर ली थी। अब इसमें ऑयल में हमने जो भी अपने मसाले आपको दिखाए थे प्याज के साथ, वो सभी इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये खड़े मसाले भी इसमें डाल देंगे। फिर इसमें दही डाल के अच्छे से भुनाई कर। ये हमने चने और खसखस का पाउडर बना लिया है अपने चिकन कबाब के लिए। ये हमारा बॉनलेस चिकन है, इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ये हमने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। फिर इसमें चॉप करी हुई, इसमें हम ये प्याज डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, नमक और चने खसखस का पाउडर। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स बना लेंगे। इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे इस तरीके से, हैंड से। उसके बाद ये बन चुका है चिकन, ये हमारा अच्छे से कीमा, और इसको हमने सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसके हम बनाएंगे छोटी छोटी बॉल्स। बनाइए चलो। तो देखिए इस तरह छोटी छोटी बॉल्स बना लें। इस तरह मैंने सभी मैंने भगोने में एक एक बॉल्स लगा दी हैं, अच्छे से एक एक बॉल्स लगा दी हैं। और अब इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना, और हमें इसी तरह कवर करके और इसे 5-10 मिनट के लिए रख देना है स्लो फ्लेम पर। ये हमारा चिकन कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। इसके साथ बिरयानी है, रोटी से सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी है।